अस्सलामुअलैकुम पवारी साहब, जो चैप्टर नंबर 4 इंटर क्लास लेक्चर नंबर 8 है और टॉपिक का सा जो केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, किंग ऑफ कंपाउंड केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। इन्हें जब आप जो बना लो आप किंग ऑफ कंपाउंड तो तब घने मांगरों यो यूज़ सी दुआ मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी थिंग्स है। यहाँ चेंज ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी चेंज हुआ, किंग ऑफ कंपाउंड भी चेंज हुआ है। घने यूज करने जी करे इंडस्ट्रीज में घने उसे उठा जो ने तावन ठाणे जिला वर्तमान यूज सी दुआ है। पाकिस्तान में यो तैयार थी दो कांटिक प्रोसेस में, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कांटिक प्रोसेस, कांटेक्ट मेथड उन्हें वैसा है ना कि तैयार करना है। हिन्दे जी त्याग करने जा रहे चार स्टेप आएं। स्टेप वन होगा है फॉर्मेशन ऑफ SO2, फॉर्मेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड खाने जलाब रिएक्शन है ने सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर सॉलिडा ऑक्सीजन गैसा यो आम मामूली तरीको है। सेकेंड आर फ्रॉम आयरन पायराइट FeS2, आयरन पायराइट मा घड़े मा घड़ो उठाइंदा यो इने के ऑक्सीडेशन मा आयरन पायराइट सॉलिडा ऑक्सीजन गैसा माना रिएक्शन इज द हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जेकर है डिफरेंट फिजिकल स्टेट वाला होता है तो उन्हें के हेट्रोजीनियस के हुआ। जेकर है रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर सेम फिजिकल स्टेट रखना है दैट इज होमोजीनियस रिएक्शन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर डिफरेंट फिजिकल स्टेट रखन द हेट्रोजीनियस आ सेम फिजिकल स्टेट रखन होमोजीनियस आ। सब रिएक्टेंट गैसो आयन तो होमोजीनियस आ या एक गैस आ एक सॉलिड आ तो वो हेट्रोजीनियस आ। आयरन पायराइट है आयरन ऑक्सीजन से मिली करे फेरिक ऑक्साइड आइंदो। सल्फर ऑक्सीजन से मिली करे सल्फर डाइऑक्साइड आइंदो। तान ही ते आयरन Fe2O3 ऑक्सीजन ट्रे आर्ड आयन बैलेंस करने जिला आठ एक तरह के इवेंट में चेंज कर हुआ ताई ना क्या क्या मल्टीप्लाई टू साथ हो गया आयरन का थी आठ टू इनटू फोर है ताई ते मार क्या लिखा था फोर है आयरन फोर थी गया सल्फर टू मल्टीप्लाई फोर एट है ताई ते मार एट लिखा था ताने ऑक्सीजन का टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स एट मल्टीप्लाई टू सिक्सटीन सिक्सटीन है सिक्स है 22 तो 2 बाय ने 11 दिना से तो 22 थी विदा। स्टेप 2 आए फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 यो सब इनी का आवर स्टेप आए। SO2 गैस आ SO2 इस गैस अब प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस आए तारेशन चंदो सल्फर ट्रायऑक्साइड है ही रिएक्शन जिको आ होमोजीनियस आ। आहिने मेली शेटिलर फैक्टर अप्लाई थी ना
लेई शेटिलर फैक्टर है ना में एप्लीकेबल आए ने असा जेत्रो घणो एसो थ्री ठाइंदा से ओत्रो घणो सल्फ्यूरिक एसिड ठहंदी डेल्टा आई थाए -45 किलो कैलोरी पर मोल या एनर्जी निकले थी त ही रिएक्शन होमोजेनियस आ इने जे का रिएक्शन डबल है हुआ ली शेटिलर फैक्टर इने जे मथा एप्लीकेबल आए ने ली शेटिलर फैक्टर इने जा मथा अप्लाई करना जे फॉर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ SO3 ता SO3 वत मावत मिले ताने बैलेंस क्यों था सल्फर डाइऑक्साइड 2.24 बड़ी ऑक्सीजन 6.236 है इन्हें जिला कैटलिस्ट होगा वेनेडियम पेंटाक्साइड है या प्लैटिनियम कंडीशन के लिया लो टेम्परेचर वाले में ना अब आहेना एक ट्रे वाले में थी आ आहेना टू वाले में प्रारंभ जो वाले में गठो थे तो प्रेशर हाई रखना लो टेम्परेचर हाई प्रेशर इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ SO3 प्रोडक्ट ऑफ SO3 लो टेम्परेचर एनर्जी करे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक का हाई प्रेशर एनर्जी करे तो रिएक्टेंट जो वॉल्यूम है एक ट्रे आहेना प्रोडक्ट जो टू वॉल्यूम प्रोडक्ट जो वॉल्यूम घटा तो प्रेशर हाई रखो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन उड़े मूव करनी जिरे वॉल्यूम घटो जे बिकॉज वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर तैना वॉल्यूम घटा प्रेशर हाई रखने से इक्विलिब्रियम ही नहीं मिलो राइट साइड ही नाउ फोर्थ स्टेप थर्ड स्टेप आ फॉर्मेशन ऑफ SO3 H2SO4 है SO3 के सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करायो सॉरी वाटर में जज़ब करायो वन वे आ बिकॉज़ SO3 गैस आ ए वाटर लिक्विड आ उन के रिएक्शन हेटरोजीनियस के करे वन वे आ SO3 वाटर सा स्प्रे करायो टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड 58% डाइल्यूट वाली इने के सा कंसंट्रेट फार्मी चेंज कर सकूंगा तो सुवाणी H2SO4 है केता SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड 20% ब्या मिलाइंदो तावडे मठंदो H2S2O7 हिना के चिबा ओलियम या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है यो फार्मूला है तो टेस्ट में व्हाट इज फार्मूला ऑफ ओलियम दाहिना बिनी के मिलाने से आयो ओलियम थयो फाइन लास्ट में इसने भी ओलियम के साइड कराई था है विथ वाटर ताइने मां ठंदो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 98% वाली सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आयरन पाइराइट करो FeS2 ऑक्सीडेशन करो फेरिक ऑक्साइड SO2 प्रोड्यूस SO2 के ऑक्सीडेशन करो प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाक्साइड प्लैटिनियम में तो SO3 इज प्रोड्यूस्ड जेत्रो SO3 गव मिलंदो ओत्रो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस मैक्सिमम सो कंडीशन शुड बी लो टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर फॉर द इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ SO3 According to Lee Shetiler principle, SO3 then dissolve in water to form 65% dilute sulfuric acid.
Dilute sulfuric acid absorb SO3 to form oleum or pyrosulfuric acid. Now, pyrosulfuric acid dissolve in water to form 98% concentrate sulfuric acid. So, this is the preparation of sulfuric acid. अच्छा आपको प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट इज ए colorless, odorless, viscous, oily liquid. Viscous, oily liquid. That is called oil of vitriol. उन्हें देखकर इन्हें किसी जो इंद्रा oil of vitriol. It melt 10.5 centigrade and boil 290 centigrade. It is hygroscopic hygroscopic. कहेंगे चुप देखो एब्जॉर्ब करे मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की जजब करे दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक इट इज हाइग्रोस्कोपिक एंड कोरोसिव कट लगाए तो आ जल्दी सा मेटल जे मसा इन नेचर हाइग्रोस्कोपिक के बाद कोरोसिव है कट लगाए जड़ा मेटल जे मसा कहीं के बे डिफरेंट फॉर्म है नहीं जब 50% 65% सल्फ्यूरिक एसिड है हाईज डेंसिटी उन्हें जी डेंसिटी आए 1.55 ग्राम पर लीटर 98% सल्फ्यूरिक एसिड जी डेंसिटी आए 1.839 ग्राम पर लीटर 100% सल्फ्यूरिक एसिड जी डेंसिटी आए 1.838 ग्राम पर लीटर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग के सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 20% SO3 एंड डेंसिटी इज 1.929 ग्राम पर CMQ 1.929 ग्राम पर CMQ या एनर्जी डेंसिटी या हाई डेंसिटी एंड विस्कोसिटी एंड ए हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हाइड्रोजन बांड है ना सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड की विस्कासिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट हाया, तो तेने में टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बांड है ठन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है ने। अच्छा ने जो आई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर छह ग्रुप जो आ उन्हें जे करे ने जी वैलेंसी जी क्या छह आ यु छह बांड था इंदो सल्फर डबल बांड ऑक्सीजन डबल बांड ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर जी जो दारे चार सिग्मा बांड है हिकड़ो बर ट्रे चार डबल बांड में एकड़ो सिग्मा एकड़ो पाए हों दो पाए बांड है हाइब्रिडाइजेशन में कौन आयन कबा तो सल्फर दी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आइने जी मॉलिक्यूल शेप में आ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एट एंगल ऑफ 109.5 डिग्री 109.5 डिग्री टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ सल्फ्यूरिक एसिड जो सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन आ SO3 बॉन्ड एंगल आ 109.5 डिग्री। अचारे ने कहा बात भी इन केमिकल प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड पान स्ट्रॉन्ग एसिड आ एंड डाइप्रोटिक एसिड आ इट गिव इट टू टाइप ऑफ साल्ट इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू थे 10^8 एड पी के 10^-8 डायप्रोटिक एसिड आ डायप्रोटिक एसिड ब प्रोटॉन दींदो आ ब ओएच न्यूट्रलाइज कंदो आ H2SO4 वाटर H3O+ HSO4- वरे तो HSO4- वाटर सेकंड हाइड्रोजन ही नहीं प्लस सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड के जेके हैं कास्टिक सोडा सा न्यूट्रलाइज के हूं तो एसिडिक के साल्ट दिंदो पे हैं हाइड्रोजन ओएच निकली आ वाटर हिते बचो सोडियम हिता हिकड़ो हाइड्रोजन सल्फेट सा गेड हाइड्रोजन जी करे दिस इज द एसिडिक साल्ट दिस इज द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन अगेन जी के ऐसा NaH SO4 के कास्टिक सोडा सा रिएक्शन करायो टू फॉर्म द सोडियम सल्फेट प्लस वाटर दिस इज पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन नाउ दिस इज द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। सल्फ्यूरिक एसिड जा ब्याव रिएक्शन है बाबा असावर सेकंड लेक्चर में पढ़ना था जाइए एट काफी आयो अल्लाह हाफिज़।